नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफियत लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसईवीरा मनपा प्रभाग समिति ई नालोद पर है कार्यालय से आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रभाग समिति के घर पट्टी विभाग में कार्यरत 34 वर्षीय लिपिक दुर्मिल संजीव किनी एंटी करप्शन ब्यूरो ठाणे यूनिट की रेड में 20,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में जानकारी दी गई है कि आरोपी दुर्मिल किनी ने 58 वर्षीय शिकायतकर्ता से घरपट्टी नाम पर करने के बदले 25,000 रूपये की मांग की थी, जिस पर नेगोशिएशन करने के बाद 20,000 रूपये रिश्वत देने तय हुए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच पड़ताल करते हुए आरोपी के खिलाफ जाल बिछाया और आरोपी लिपिक 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की यह कार्यवाही आज दोपहर को हुई। कार्यवाही के बाद आरोपी लिपिक के खिलाफ नालासोपारा पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किए जाने की प्रक्रिया अंजाम दी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भले ही आज यह जाल बिछाया और एंटी करप्शन यूनिट अपने बिछाए जाल में आरोपी लिपिक को फंसाने में कामयाब भी हुई, लेकिन इस आरोपी दुर्मिल किनी के साथ पहले ही कई विवाद जुड़े हुए थे। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस आरोपी लिपिक दुर्मिल किनी के इसी तरह के रवैये, जिसमें लोगों से घरपट्टी लगाने के नाम पर पैसा उठाकर काम नहीं करने की कई शिकायतें पहले ही मनपा के आला अधिकारियों तक जा चुकी है। और तो और, प्रभाग समिति की प्रभारी सहायक आयुक्त नीता कोरे मैडम के पास भी इस दुर्मिल की शिकायत करने आम लोग जा चुके हैं, बावजूद इसके नीता कोरे मैडम ने कभी कोई कार्यवाही नहीं की। वैसे भी नालासोपारा प्रभाग ई में सिर्फ घरपट्टी विभाग ही नहीं बल्कि अधिग्रहण विभाग में भी भ्रष्टाचार होने की शिकायत आए दिन सहायक आयुक्त मैडम के पास जाती रहती है, फिर भी सहायक आयुक्त मैडम आंखें मूंद कर बैठी रहती है। अतिक्रमण विभाग के लिपिक चिन्मय वर्तक की भी कई शिकायत सहायक आयुक्त मैडम नजरअंदाज कर चुकी है। खैर, फिर से बात करें दुर्मिल किनी के कारनामे की, तो दुर्मिल किनी जब वीरार में कार्यरत था तब भी दुर्मिल किनी ने कुछ इसी तरह से घरपट्टी विभाग के पैसों का गबन किए जाने की खबर मीडिया में छप चुकी है। आपको बताते चले, दुर्मिल किनी कुछ ही सालों पहले अनुकंपा के आधार पर मनपा सेवा में शामिल किया हुआ कर्मचारी है। आज की कार्यवाही से संपूर्ण वसई विरार मनपा परिसर में इसी कार्यवाही की चर्चा सुनाई थी। इस खबर के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करें। हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।